टैक्सी के तौर पर कभी सबसे ज़्यादा चलने वाली इंडिका जल्द ही इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। टाटा मोटर्स ने घटती मांग की वजह से इंडिका और इंडिगो का उत्पादन बंद करने का फैसला किया है। टाटा मोटर्स ने अपने कॉम्पैक्ट सेडान इंडिगो और कॉम्पैक्ट हैचबैक इंडिका का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। टाटा मोटर्स ने भारत में 20 साल पहले 1998 में अपनी पहली छोटी कार इंडिका और फिर सेडान कार इंडिगो को लॉन्च किया था। लॉन्च के 2 साल में ही कंपनी को 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन अब इन गाड़ियों की बिक्री न होने की वजह से कंपनी ने इनको बनाना ही बंद कर दिया है। सियाम के आंकड़ों के अनुसार टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2018 में इंडिका के सिर्फ 2583 यूनिट्स और इंडिगो के 1756 यूनिट्स ही बेचे थे, जिसकी वजह से कंपनी ने पिछले महीने दोनों ही कारों का कोई प्रोडक्शन नहीं किया। हालांकि टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2017 में 1,53,151 गाड़ियां बेची थीं, जो अप्रैल 2018 में बढ़कर 1,87,321 यूनिट्स पर पहुँच गई। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल टाटा की गाड़ियों की बिक्री में करीब 22% की बढ़त हुई है। गाड़ियों की बिक्री में बढ़त का कारण हाल में लॉन्च हुए मॉडल्स जैसे नेक्सॉन, हेक्सा और टिएगो माने जा रहे हैं। टाटा के स्पोक्सपर्सन के अनुसार बदलते बाजार को देखते हुए इंडिका और इंडिगो के उत्पादन को बंद करने का फैसला लिया गया है। गो न्यूज़ के लिए उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट।